इस दिन यीशु का जन्म हुआ था। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। संसार भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन क्रिसमस ट्री सजाते हैं और बच्चों को उपहार देते हैं। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। बालक यीशु का जन्म बेथलहम की एक गौशाला में हुआ था। उनकी माँ का नाम मरियम था। उस समय कुछ गड़ेरिये पास के खेतों में अपने अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक वहां एक अनोखा प्रकाश दिखाई दिया और देवदूत प्रकट हुआ। तुम्हारे शहर में अनोखे शिशु का जन्म हुआ है, उसका नाम यीशु है। वह चिथड़ों में लिपटा, चर्दी में लेटा हुआ है। इतना कहकर देवदूत गायब हो गया। गड़ेरिये उसी समय बेथलहम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बालक यीशु को प्रणाम किया। फिर देवदूत का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए चल दिए। यीशु के जन्मदिन को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। ईसाई धर्म को मानने वालों का यह सबसे बड़ा त्योहार है। दुनिया भर में कई महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, क्रिसमस केक भी जरूर बनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। कई दिन पहले से ही गायन मंडलियां घर घर जाकर यीशु के जन्म का संदेश सुनाते हुए गाती हैं। आया है यीशु, आया है, खुशी और सुख की भेंट लाया है। आया है यीशु, आया है, खुशी और सुख की भेंट लाया है। घर वाले उन्हें कुछ दान देते हैं और चाय नाश्ता कराते हैं। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों में सज धज कर गिरजा घर जाते हैं। वहां प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। अपने भाई बंधुओं के साथ पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। बड़ा खाना सब मिलकर खाते हैं। इस त्योहार की एक बहुत मजेदार बात है कि 24 तारीख रात को बच्चे अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। बच्चों के सो जाने के बाद माता पिता उन मोजों में उपहार डाल देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। इस प्रकार बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस त्योहार को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन लोग यीशु के उपदेश को याद करते हैं। यीशु कहते थे, हम सब भाई भाई हैं, सबसे प्यार करो, गरीबों और बीमारों की सहायता करो, अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो। बच्चों, हर त्योहार खुशी और उल्लास तो देते ही हैं, इनसे आपस में प्यार और मेलजोल भी बढ़ता है। बच्चों, आओ अब र के रूप वाले शब्द पढ़ते हैं। र जब हलंत वाले वर्ण के बाद आता है तो उस वर्ण के नीचे लिखा जाता है। उसके कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। प्रणाम, प्रार्थना, प्रसन्न,
प्रकाश, प्रकट, क्रिसमस, क्रम, ग्रह, व्रत। बच्चे दोबारा पढ़ें। प्रणाम, प्रार्थना।